जय हिंद ऑल ऑफ यू. इन आवर लेसन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स वी हैव लर्नड अबाउट सो मैनी चेंजेस दैट टुक प्लेस इन बिटवीन दीज थाउजेंड ईयर्स फ्रॉम 700 टू 1750 CE और कॉमन एरा. अब जब हमने इतने सारे चेंजेस के बारे में देखा कि सोशल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, तो एक और चेंज के बारे में हम देख लेते हैं, दैट इज रिलीजियस चेंज. तो इस टाइम में जो रिलीजन था, जो धर्म था, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए. सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ओल्ड रिलीजन था यानी कि हिंदुइज्म, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए. तो जो हिंदुइज्म था उसमें उस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस हुए. फॉर एग्जांपल न्यू डिटीज, वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज, डिटीज मतलब गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो इस टाइम पर बहुत सारे नए नए देवी देवता जो थे उनकी वर्शिप होने लगी, उनकी पूजा होने लगी. इसके अलावा जब नए नए गॉड्स एंड गॉडेसेस आने लग गए, लोग उनमें मानने लग गए, तो उनके टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट होने लग गए, उनके मंदिर भी बनने लगे. तो जो रॉयल्टी थी उस टाइम पे, जो किंगडम होता था, जो किंग होता था, वो जिस भी भगवान को मानता था, जिसमें भी उसकी आस्था होती थी, वो उनके टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाता था. तो इस टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ. इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज, नाउ इस टाइम पर ब्राह्मण या फिर प्रीस्ट, जिसे हम पुजारी बोल सकते हैं, उनकी जो इम्पॉर्टेंस थी सोसाइटी में वो और ज़्यादा बढ़ गई थी. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये जो ब्राह्मण थे इन्हें संस्कृत आती थी. हम लास्ट वीडियो लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमन पीपल थे उनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस ही जानते थे. सो अब जितने भी वेद होते थे, धर्मशास्त्र, ये सब तो संस्कृत में लिखे होते हैं, तो कॉमन पीपल को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी. सो जो ब्राह्मण्स होते थे उनको संस्कृत की नॉलेज थी, तो इसीलिए उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनका जो डोमिनेंस था सोसाइटी में, वो भी बढ़ गया. आइडिया ऑफ भक्ति, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है इस पीरियड का. आइडिया ऑफ भक्ति, तो भक्ति का मतलब क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है भगवान की भक्ति. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भक्ति? सो भक्ति मतलब एक पर्सनल गॉड. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई पर्सनल गॉड है, मैं किसी एक भगवान में विश्वास रखती हूँ, तो मैं उस भगवान की उस भगवान में आस्था रखती हूँ. उस तक पहुँचने का जो मार्ग होता है उसे हम कहते हैं भक्ति. और इस मार्ग में हम खुद ही जो डिवोटी होता है वो खुद ही सब कुछ करता है भगवान तक पहुँचने के लिए. उसे किसी रीति रिवाज करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी पुजारी की, किसी ब्राह्मण की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है. सो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेडिवल पीरियड में, मीराबाई. तो जो मीराबाई थी वो कृष्ण की भक्ति करती थी, वो उनके भक्ति में सॉन्ग्स लिखती थी, भजन लिखती थी और उन्हें गाया करती थी, और इस तरह से वो उनकी पूजा करती थी. सो आइडिया ऑफ भक्ति. नाउ इस टाइम पे जो रिलीजन होता था, जो पीपल होते थे, वो कभी कभी उनका कोई इंडिविजुअल उनका बिलीफ होता था. जैसे कि हमने भक्ति में पढ़ा, किसी एक इंसान का एक गॉड है, एक डीटी है जिसके लिए वो अपनी भक्ति दिखा रहा है, अपनी भक्ति कर रहा है. लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता था कि कलेक्टिव बिलीफ होता था, यानी कि लोग, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता था, वो एक ही भगवान में, एक ही डीटी में विश्वास रखते थे. तो इसी से कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो इसी चीज़ से बनी कि बहुत सारे लोग एक एरिया में रह रहे हैं और वो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, एक ही भगवान में आस्था रखते हैं. तो इस तरह से कम्युनिटीज, जिसे हम समुदाय बोलते हैं, उसका जन्म हुआ. ये तो हमने हिंदुइज्म की बात देखी. अब इसके अलावा नए रिलीजन्स भी आए थे मेडिवल पीरियड में. फॉर एग्जांपल जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और जो माइग्रेंट्स होते थे, जो दूसरी कंट्री से आकर हमारी कंट्री में आकर बस गए, उनकी वजह से सबसे पहले 7th century AD में जो इस्लाम की टीचिंग्स थी वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई. सो इस्लाम 7th century AD में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. इस्लाम का जो संस्थापक माना जाता है, जो प्रोपोगेटर माना जाता है, उनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद. सो इस्लाम में भी दो ब्रांचेस हैं, आज भी हमें देखने को मिलती है, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स. तो जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो ये मानते हैं कि प्रॉफिट की डेथ के बाद अब प्रॉफिट के जो सन इन लॉ हैं अली, वो ही हमारे यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर हैं, ये शिया मुस्लिम्स मानते हैं. और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो मानते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो अर्ली इस्लामिक लीडर्स हुआ करते थे, जिनको खलीफा बोला जाता था,
यानी कि जो टर्की के रूलर्स होते थे बेसिकली उनको खलीफा बोला जाता था, सो वो ही इस्लाम के असली लीडर्स हैं, तो वो उन्हें लीडर्स मानते हैं। तो पहला जो खलीफा हुआ, उसके बाद जो खलीफा बना, ऐसे करते करते जितने भी कैलिफेट्स हैं वो उनके रिलीजियस लीडर हैं, ऐसा सुन्नी मुस्लिम्स मानते हैं। और इस्लाम की जो होली बुक है उसका नाम है कुरान। नाउ ये तो हमने रिलीजन में चेंजेस देख लिए, नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब हमने देखा कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतना बड़ा टाइम पीरियड है, हजारों लाखों साल पीछे जाता है हमारा हिस्ट्री का टाइम, जब से हम अर्ली मैन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो इतने बड़े टाइम को हम एक साथ कैसे पढ़ें? तो हमने अपनी ईजीनेस के लिए इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था। तो जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, और उन्होंने 19th सेंचुरी में जब हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा हिस्ट्री को। कौन कौन सी? इंडिया की हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ये डिविजन उन्होंने क्यों किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स। तो उस जो एंशियंट टाइम था, जिसे आज हम एंशियंट टाइम बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिंदू रूलर्स थे। उस टाइम सिर्फ हिंदुइज्म ही होता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हिंदू रूलर्स होते थे, तो इसलिए उन्होंने इस पीरियड का नाम हिंदू रख दिया। उसके बाद जब हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, उस टाइम पे ज़्यादातर रूलर्स कौन थे? मुस्लिम्स थे। सो जैसे हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, हम मुगल एम्पायर में देखेंगे, तो ज़्यादातर सारे रूलर्स हमें मुस्लिम ही दिखाई देंगे। सो इसलिए इसका नाम उन्होंने मुस्लिम रख दिया। और थर्ड, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड है, आज हम जिसे मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, उसे उन्होंने ब्रिटिश नाम दे दिया, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश का शासन था हमारे ऊपर। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश वाला, इसे ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज ये जो उन्होंने डिवाइड किया है पीरियड को, ये रिलीजन के बेसिस पर किया है। इसमें हमें सिर्फ रिलीजियस डेवलपमेंट दिख रहा है कि रिलीजन में क्या क्या चेंजेस हुए, पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिश आए, लेकिन सिर्फ रिलीजन चेंजेस ही नहीं हुए थे उस टाइम पर, या हर टाइम पर हमारी हिस्ट्री में रिलीजियस के अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस भी हुए थे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। सो इसलिए काफ़ी हिस्टोरियंस जो है वो इस टाइम डिवीजन को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं आज भी जो इसे फॉलो करते हैं। सो आज ज़्यादातर जिस जो टाइम डिवीजन या जो पीरियडाइजेशन मानते हैं वो है एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था सिक्स क्लास में। सो एंशियंट हिस्ट्री जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्ली मैन से लेकर हम सिक्स और सेवन सेंचुरी एडी तक का जो हिस्ट्री है वो एंशियंट में। उसके बाद हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो मेडिवल हिस्ट्री है, और 17th-18th सेंचुरी से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। सो इस पीरियडाइजेशन को ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पीरियडाइजेशन है उसमें सिर्फ रिलीजियस चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमें सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए पीरियडाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हर पीरियड में अलग अलग चेंजेस आए थे। जैसे कि अगर हम बोले कि जो 16th सेंचुरी थी वो 8th या फिर 11th सेंचुरी से बहुत डिफरेंट थी, उसमें बहुत चेंजेस आए थे, तो इसलिए हिस्टोरियंस को ये ध्यान रखना होता है कोई भी टर्म यूज़ करते टाइम या कभी भी पीरियडाइजेशन करते टाइम, कि ये कौन से टाइम का है, कौन से टाइम में क्या चेंजेस आए, उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नाउ हम जो मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इस टाइम पर बहुत सारे जो चेंजेस आए, उन चेंजेस की वजह से, जो इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस भी आए उनकी वजह से भी इंडिया जो था वो बहुत प्रॉस्पर हुआ करता था। इस टाइम पे इंडिया बहुत प्रॉस्पर था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी हमारे भारत की तरफ अट्रैक्ट हुई कि हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, हमें यहाँ पर बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे।